वो सदा देश की प्रगति के लिए और देश के भविष्य के लिए काम करती है। ये जो आज हमारा पहल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के, ये 50 साल पुराना जो हमारा लैंड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था अपने फौजी कामों के लिए अरुणाचल में जाने के लिए, आज हमने हैंडओवर इसलिए किया ताकि हम अपनी इस मातृभूमि को प्रिजर्व कर सकें, कंजर्व कर सकें, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें, फॉरेस्ट कवर बढ़ा सकें, ताकि जो हम आज देख रहे हैं विपदा, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है देश में, बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वो सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। तो हमारा ये एफर्ट फॉरेस्ट के साथ मिल करके सिर्फ इसीलिए था कि हम देश को और अपने असम ब्यूटीफुल स्टेट को और सुंदर बना सकें और यहाँ पे टूरिज्म भी हम फैला सकें और जितने भी हमारे जो बच्चे हैं उन सबको भी एक मौका मिले ये समझने का कि तमाम जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं वो मिलजुल करके कैसे काम करती हैं। तो इस इरादे के साथ, इस मकसद के साथ, देश की प्रगति में हाथ बढ़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आज हमारे चीफ स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर के हमने ये कार्यक्रम किया है। ये 1959 में जब हिज होलीनेस दलाई लामा तिब्बत छोड़ करके आए थे, 5 असम राइफल हमारी आर्मी की पलटन थी जो उनको लेकर के गाइड करके लेकर के आई थी, तो कहा यह जाता है कि करीब करीब 31 जुलाई के आसपास वो यहाँ पे रुके थे एक रात, और उसके बाद यहाँ से वो आगे उनको दिल्ली ले जाया गया और बाद में धर्मशाला ले जाया गया। तो और आपको ये भी जो बता दूँ, जो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को बता रहा था कि ये हिज होलीनेस दलाई लामा जी का ये बर्थडे का जन्म का भी मंथ है, ये महीना है जुलाई, 6 जुलाई को उनका जन्म था और 6 जुलाई के दिन हमारे DFO साहब के साथ और हमारे स्टेशन कमांडर साथ मिल करके यहाँ पे बातचीत हुई, ये कागज़ बनाए गए और इसी महीने में, इस शुभ महीने में हमने सोचा कि लैंड हमारा हैंड ओवर जाना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये ज़मीन है 102 एकड़ ज़मीन है, ये 102 एकड़ फॉरेस्ट ज़मीन है। ये हम जानू जे প্রায় 1959 সনত হিজ হলিনেস দালাই লামা এই পথেৰে আহিছিলে কামেংবাৰী হৈ তিব্বতৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলে এই পথেৰে তেজপুৰলৈকে আহিছিলে আৰু ইয়াতে তেওঁ এজোপা গছৰ ছাত জিৰণি লৈছিলে আৰু তেখেতৰ নামেৰে এই কেম্পটোৰ নাম লামা কেম্প বিমানদিন হৈ আছে আৰু ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে এই কেম্পটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিছিলে প্ৰায় 100 হেক্টৰ মাটি আৰু তাত আপোনালোকে দেখিছে যে গোটেই ইয়াত আৰ্মি বেৰেক বা গোটেইখিনি আছে এতিয়া তেখেতলোকে মানে গোটেইখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকুৱা ধৰণে যিহেতু এইটো সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰৰ সেইবাবে বন বিভাগক তেওঁলোকে যেনেকৈ আছে আটাইখিনি অৰ্পণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলত ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম হ'ব, বন্যপ্ৰাণী আমি ইয়াত অভয়াৰণ্যখন ৰখাব পৰা যাব, ইয়াত জৈৱ বৈচিত্ৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিব আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াতে আমাৰ ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন বা আসাম পুলিচ বেটেলিয়ন যিমান এই আছে আৰ্মি তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা বাহিনী আছে, বন সুৰক্ষা বাহিনী আছে, তেওঁলোকক ৰাখিব পৰা যাব আৰু লগতে সোণাই ৰূপাই আমি নামেৰি আৰু সোণাই ৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ যিখিনি কাম আমি হাতত লৈছোঁ বা এটা প্ৰকল্প অভিলাষী প্ৰকল্প হাতত লোৱা আছে দুইখন আমি যদি সংযোগ কৰিব পাৰোঁ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আমি নতুনকৈ চিন্তা কৰিব পাৰিম আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ মিছামাৰী কেণ্টনমেণ্টৰ আমাৰ ইয়াৰে মেজৰ জেনেৰেল নীৰজ শুক্লা ছাৰৰ তেখেতৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ লগতে আমাৰ DFO ৱাইল্ড লাইফ পিৰাই তেখেতৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ আৰু যিটো বৰান্যতা সেনাবাহিনীৰ তেওঁলোকে ইমান বছৰ তেওঁলোকৰ লগত থকা এই গোটেই প্ৰপাৰ্টিটো তেওঁলোকে আজি বন বিভাগক অৰ্পণ কৰিছে তাৰ বাবে মই সংশ্লিষ্ট সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।